जननायक जनता पार्टी से नगर परिषद कालका के भाग सिंह दमदमा हो सकते हैं चेयरमैन के उम्मीदवार। आखिरी निर्णय पार्टी हाईकमान लेगी। जजपा पार्टी पदाधिकारियों की अहम मीटिंग कालका और पिंजौर सहित पंचकुला में आयोजित की जा रही है। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा इसकी पल पल की रिपोर्ट चंडीगढ़ हाईकमान के पास भेजी जा रही है। इसी संबंध में जननायक जनता पार्टी जिले भर के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग कालका में भी आयोजित की गई, जिसमें जजपा जिला शहरी प्रधान ओपी सिहाग, ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा, महिला जिलाध्यक्ष अंजू रॉय, ब्लॉक पिंजौर प्रधान राहुल मल्होत्रा, गुरबचन सिंह पुंज कोटियां, रॉबिन वशिष्ठ, निर्मल दमदमा, केहर सिंह सहित अन्य जजपा पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग में शामिल हुए, जिनमें पदाधिकारी भी शामिल थे। मीटिंग के बाद जजपा जिला शहरी प्रधान ओपी सिहाग ने वीरवार को बताया कि 31 वार्डों के सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट वीरवार की रात तक जारी हो सकती है। वहीं पार्टी हाईकमान ने चेयरमैन के लिए आखिरी निर्णय लेना है, क्योंकि दो नाम पैनल पर भेजे गए हैं, जिनमें एक जजपा प्रदेश प्रवक्ता भाग सिंह दोंदमा का पहला नाम सामने आ रहा है, जबकि दूसरा विशंबर पाठक है। शहरी जिला प्रधान ओपी सिहाग ने बताया कि मीटिंग में सभी पदाधिकारियों से राय ली जा रही है। वहीं हाईकमान ने भी निर्देश दिए हैं कि जिस व्यक्ति की कालका पिंजौर शहर में अच्छी खासी पकड़ हो, चर्चित हो और लोगों में विश्वास बना हो, जिससे पार्टी के लोग भी चाहते हों, उसे चेयरमैन का कैंडिडेट बनाना उचित है। वैसे जजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा का नाम पहले नंबर पर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता की कालका पिंजौर शहर के लोगों में अच्छी खासी पकड़ है और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी मीटिंग में अपनी राय दे दी है और वीरवार की रात तक या शुक्रवार तक जजपा पार्टी से नगर परिषद कालका से चेयरमैन पद के नाम की घोषणा हो सकती है। वैसे कालका पिंजौर शहर में भाग सिंह दमदमा के नाम की अच्छी खासी चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन आखिरी निर्णय जजपा पार्टी हाईकमान ने लेना है। इधर जजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने बताया कि जजपा पार्टी नगर परिषद का या निगम के चेयरमैन का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, जबकि पार्षदों का सिंबल पर लड़ना या नहीं इसका निर्णय भी वीरवार की शाम या रात तक पार्टी हाईकमान फैसला दे देगी। चेयरमैन का है भाग सिंह दमदमा का नाम भी उभर के सामने आ रहा है, तो क्या ये सर? हाँ, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है और पार्टी हाईकमांड की तरफ से हमें डायरेक्शन है और हमारी खुद की सोच भी है कि जहाँ जहाँ नगर परिषद या नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं और चेयरमैन के जो या चेयरपर्सन के जो कैंडिडेट हैं हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग हैं वही हों। और हमने खुद परसों जो मीटिंग थी यहाँ कालका के अंदर तो सभी से राय ली थी हमने, सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जो कैंडिडेट थे, और ये बात ऊपर की आई कि हमारे कैंडिडेट जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं भाग सिंह दमदमा हैं और विशंबर जी भी अच्छे हैं, विशंबर पाठक जी भी, तो ये दो नाम हम आगे ऊपर हम पहले आगे हमने भेज दिए हैं। और जैसा कि आपने कहा है, जिक्र नहीं है, ये लगभग चर्चा पूरी है और आई होप जो स्ट्रॉन्ग है, जो जिसको सभी चाहते हैं, जो सबके लिए पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा और जिसकी शहर में लोगों पकड़ भी है, तो आई थिंक वही कैंडिडेट हमारे लिए होगा। मीटिंग तो लगातार चल रही है, इलेक्शन जो आ गए हैं और आज परसों मीटिंग भी थी हमारी, और मेन तो यही था भी अभी जो वार्ड वाइज हम जो कैंडिडेट हैं तैयार हो रहे हैं उनके जो नॉमिनेशन किया जाना है, उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, एनओसी बहुत ज़्यादा लेनी है इसमें, वो सारी तैयारियां देख रहे हैं और जो कैंडिडेट हैं क्या वो फुलफिल करते हैं सारी कंडीशन वो देख रहे हैं। और जहाँ तक फाइनल की बात है तो ये आई होप, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने डिक्लेयर करना है सारा, तो यहाँ का जो प्रेजिडेंट का हमारा कैंडिडेट कौन होगा ये भी, और जो पार्षद वार्ड वाइज होंगे वो भी सारी डिक्लेयर करनी, तो कल मीटिंग है एक हाई लेवल की, आई होप वहाँ उसमें डिक्लेयर हो जाएगा सारा। हमारा ध्येय है कि दुष्यंत चौटाला जी को कालका में मजबूत करना और पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को कालका के अंदर जितने काम दुष्यंत जी ने कालका में हमारे किए हैं, यहाँ हर क्षेत्र के अंदर, चाहे सड़कों के अंदर हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे पंचायती राज के, चाहे PWD के मार्फत हो, हम उन चीज कामों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा ध्येय है कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार कालका से भारी मार्जिन से जीते। तो सर ये सिंबल पे लड़ेंगे जेजी पार्टी? जहाँ तक अभी तक मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिग्विजय चौटाला जी ने क्लियर किया था कि हम जो चुनाव हैं, जो मेयर का या चेयरमैन का चुनाव है ये सिंबल पे, ये तो तय है, और जो पार्षदों का चुनाव उसके बारे भी नगर परिषद के लिए सिंबल पर कह रखा है, लेकिन फिर भी हमारी बैठक में फाइनल डिसीजन हो जाए। तो नामांकन सर कब से भरने शुरू? नामांकन हमारे पार्टी के जो पार्षदों का वो 3 तारीख से हमारे नामांकन शुरू हो जाएंगे, 3 और 4 2 दिन, 3 से हमारे नामांकन शुरू हो जाएंगे।